नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी के जीवन परिचय एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए या पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर, प्रचार से दूर हिंदी के मौन साधक पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी हिंदी के प्रतिष्ठित निबंधकार कवि संपादन तथा साहित्य मर्मज्ञ थे। साहित्य सृजन की प्रेरणा आपको विरासत में मिली थी जिसके कारण अपने विद्यार्थी जीवन से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। ललित निबंधों के लेखक के लिए आपको प्रभूत यश प्राप्त हुआ। एक गंभीर विचारक, शिष्ट हास्य व्यंगकार और कुशल आलोचक के रूप में आप हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। जीवन परिचय, श्री पदुमन लाल पुन्ना लाल बख्शी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री उमराव बख्शी तथा बाबा पुन्ना लाल बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता जी को भी साहित्य से प्रेम था, अतः करने के बाद बख्शी जी ने साहित्य सेवा को अपना लक्ष्य बनाया तथा कहानियाँ और कविताएँ लिखने लगे। द्विवेदी जी बख्शी जी की रचनाओं और योग्यताओं से इतने अधिक प्रभावित थे कि अपने बाद उन्होंने सरस्वती की बागडोर बख्शी जी को ही सौंपी। द्विवेदी जी के बाद 1920 से 1927 ईस्वी तक इन्होंने कुशलतापूर्वक सरस्वती के संपादन का कार्य किया। यह नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और ख्याति से दूर रहते थे। खैरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने पुनः सरस्वती का संपादन भार संभाला। सन 1971 ईस्वी में 77 वर्ष की आयु में निरंतर साहित्य सेवा करते हुए आप गोलोवासी हो गए। कृतियाँ, बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने निबंध, काव्य, कहानी, आलोचना, नाटक आदि पर अपनी लेखनी चलाई। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में यह प्रसिद्ध ही हैं। अपने ललित निबंधों के कारण भी यह विशेष रूप से स्मरण किए जाते हैं। इनकी रचनाओं का विवरण अग्रलिखित है। नंबर 1, निबंध संग्रह पंचपात, पद्मावत, तीर्थ रेणु, प्रबंध, पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, यात्री, तुम्हारे लिए, तीर्थ सलित आदि। इनके निबंध जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य के विषयों पर लिखे गए हैं। नंबर 2, काव्य संग्रह सत्य दल और असुदल, इनके दो काव्य संग्रह हैं। इनकी कविताएं प्राकृतिक और प्रेम विषयक हैं। कहानी संग्रह झलमला और अंजलि, इनके दो कहानी संग्रह हैं। इन कहानियों में मानव जीवन की विषमताओं का चित्रण है। आलोचना हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, साहित्य शिक्षा आदि इनकी श्रेष्ठ आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। नंबर 5, अनुदित रचनाएं, जर्मनी के मारिस मेटरलिंक के दो नाटकों का प्रायश्चित और उन्मुक्ति का बंधन शीर्षक से अनुवादन। नंबर 6, संपादन सरस्वती और छाया, इन्होंने सरस्वती के संपादन में विशेष यश अर्जित किया। साहित्य में स्थान, बख्शी जी भावुक कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, कुशल पत्रकार एवं कहानीकार हैं। आलोचना और निबंध के साहित्य में स्थान, बख्शी जी भावुक कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, कुशल पत्रकार एवं कहानीकार हैं। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व साहित्य में इनकी गहरी पेठ है। अपने ललित निबंधों के लिए यह सदैव स्मरण किए जाएंगे। विचारों की मौलिकता और शैली की नूतनता के कारण हिंदी साहित्य में शुक्ल युग के निबंधकारों में इनके निबंधों को विशिष्ट स्थान है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो
को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।